पाप का तांडव फिर से उठा, जख्मी है मानवता, मर रही है इंसानियत, सोच में है विधाता। देखना है पापियों के सर्वनाश के लिए अब और कौन है आता। नहीं है रानी, नहीं है राजा, नहीं है रानी, है ये अजब कहानी जी। जब जब पाप बढ़ेगा सुन लो आएगा एक जूनियर जी। जूनियर जी, जूनियर जी, जूनियर जी, जूनियर जी, जूनियर जी। बादल है पर ये गरजे तो कांपे पापी, रक्षक का अवतार बन के आ गया है जूनियर जी। जूनियर जी, 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 जूनियर जी। पिछले एपिसोड में आप लोगों ने देखा मेरी शक्तियों को नेचुरल शक्ति बदला जाए तो हेलमा की शक्तियों का सामना कर सकते हैं। ये क्या समझ में नहीं आ रहा कि मेरे कॉन्टैक्ट सिग्नल्स प्रोफेसर बनारो तक पहुंच क्यों नहीं पा रहे हैं। ये क्या मेरी भेजी हुई कॉन्टैक्ट सिग्नल लेंस गौरव तक पहुंचे बिना ही वापस आ गई। बस एक और दिन बाकी है ग्रेट हेलमा की तपस्या पूरी होने में। बेटा, हेलमा एक मक्कार और दगाबाज औरत है। उसने अपनी मौत को एक कुड़िया में बंद कर रखा है। तिलस्मी नगरी तो गुफाओं से भरी पड़ी है। मैं कैसे ढूंढ पाऊंगा बाबा? और अब आगे। बेटा, यही तो तुम्हारी परीक्षा है। मैं अपनी बुद्धि और समझ से उसे ढूंढना होगा। और हाँ, तुम्हें एक काम जल्द से जल्द करना होगा। अगर उसने उन मासूम बच्चों की बलि दे दी तो उसे अमृत तो मिल जाएगा, फिर उसे मारना असंभव होगा। तुम एक काम करो, तुम वहां जाओ जल्दी उस औरत के पास। सामने पड़ी खोपड़ी को उठाओ बेटा, इसमें तुम्हें एक गैजेट मिलेगा। ये गैजेट से बड़ा करामाती है बेटा। जब तुम इसे हाथ में पहन लोगे और बड़े बटन को दबाओगे तो तुम गायब हो जाओगे, किसी को भी दिखाई नहीं दोगे। और फिर छोटे बटन को दबाते ही तुम फिर सबको दिखाई देने लगोगे। पर हाँ बेटा, इस सब में एक बात का ध्यान रखना है कि लाल रोशनी में इसकी पावर खत्म हो जाती है, इसलिए लाल रोशनी से हमेशा बचकर रहना। समझ गया ना बेटा? हाँ बाबा, ये तो बहुत ही करामती चीज है। अब ना होगा जुल्म, ना होगे जुल्म के पहरेदार, अन्याय को जो काटेगी है ये वो तलवार। अब जाओ बेटा, जल्दी जाओ, जाओ बेटा, मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ।
मुझे और कितने दिनों तक बच्चों का ख्याल रखना पड़ेगा। बस आज की रात और कल सूरज की पहली किरण के साथ ही ग्रेट हेलमा की तपस्या संपूर्ण हो जाएगी। कल की रात अमावस्या की रात जो है ग्रेट हेलमा की शपथ पूरी होगी, 10 बच्चों की बलि होगी। कितना मजा आएगा। अलूका, तुम अभी ही जाओ और उन सब बच्चों को इकट्ठा करो। कल सब के सब बच्चे ग्रेट हेलमा की तपस्या से उठते ही हाजिर होने चाहिए। उन सब बच्चों को ग्रेट हेलमा के मेहमान खाने में लेकर जाओ। कल सुबह जब ग्रेट हेलमा उन बच्चों को देखेंगी तो खुश हो जाएगी। जो आज्ञा। अब जाओ। ऐसा कोई चमत्कार हो जाए जिससे हम जूनियर जी को दिखाई भी दे सकें और हमारी आवाज भी उसे सुनाई दे। वो हमें यहाँ बचाने के लिए तो आया है, नहीं तो उसका यहाँ और क्या काम हो सकता है। बात तो तेरी सही है पर खत्म कर दिया है। अब तुम लोग दिखाई भी दोगे और सुनाई भी दोगे। अब जो मैं कहूंगा तुम सब वही करोगे। चलो मेरे साथ, चलो मेरे साथ, चलो। इन सबको हेलमा के पास ले जाया जा रहा है। मुझे एकदम पीछा करना चाहिए। हो सकता है हेलमा ने वो गुड़िया कहीं छुपा रखी हो। नहीं, मुझे धीरज रखना होगा। जल्दबाजी में कोई भी अनर्थ हो सकता है। मुझे सब कुछ उनसे दूर रहकर देखना चाहिए। ने किसी और बच्चों को भेजा होगा।
यहाँ तो कोई भी नहीं है। हाँ तो फिर किसी के आने का सिग्नल कैसे बज रहा था? चलो चलो देखते हैं, कोई गड़बड़ है। ग्रेट हो, तुमने अपनी घोर तपस्या को संपूर्ण करके हमें प्रसन्नता से भर दिया है। हम खुश हुए। अब आज रात रात्रि के पहले पहर में तुम उन 10 दाहिने हाथ पर तिल वाले बच्चों की बलि देकर उनके खून से मेरी मूर्ति का अभिषेक करना। अभिषेक के पूरे होते ही तुम्हारी मनोकामना पूरी हो जाएगी। तुम अमर हो जाओगी। क्या 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 क्या, 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 क्या? क्या वाकई में हमें अमर अमर प्राप्त हो जाएगा? हाँ, अच्छा ग्रेट हेलमा, अब मैं चलता हूँ। जश्न तो आज रात को होगा, बलि चढ़ाने के बाद। जाओ 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 बच्चों को लेकर आ रहा जाओ। पूरा यकीन था सम्मोहना हमारा काम जरूर करेगी। और देखो ये उसी की मेहनत और लगन का नतीजा है कि इतने सारे बच्चे यहाँ पर आए हैं। जिम्बा, कोजी, अलूका, इन बच्चों में से जिनके दाएं हाथ पर तिल है उनको अलग कर दो और बाकी बच्चे बाकी बच्चों को हमारे नर जानवरों को खिला दो।
हेलमा, दिल वाले बच्चे सिर्फ नौ ही हैं। क्या? सिर्फ नौ बच्चे? दसवां बच्चा कहाँ गया? बलि पूरी करने के लिए हमें दस बच्चों की जरूरत है, वरना हमारी बलि कबूल नहीं होगी। जूनियर जी, क्या ये वही जूनियर जी है जिसकी तलाश संभावना को है? वो यहाँ कभी नहीं आ सकता, कभी नहीं। जूनियर जी यहाँ आ चुका है, वो हमें जरूर बचाएगा, देखना तुम। हाँ जूनियर जी यहाँ आ चुका है, अब तुम्हारी खैर नहीं, वो तुम सबको खूब सबक सिखाएगा। हाँ बदतमीजी बच्चों, जूनियर जी अगर यहाँ आया है तो हेलमा की नजर से कभी नहीं बचेगा। अभी पता चलेगा, अभी पता चलेगा वो यहाँ आया है कि नहीं। अगर जूनियर जी यहाँ पर आया है तो नजर क्यों नहीं आ रहा है? कहाँ है वो? सचमुच इस गैजेट ने मुझे बचा लिया, वरना हेलमा की शक्तियों से मैं बच नहीं पाता। बाबा ने ठीक ही कहा था कि सिवाय लाल रोशनी के कोई भी तेजस्वी ताकत इस गैजेट के अदृश्य शक्ति को नहीं बैठ सकती। अब मुझे इसी तरह चौकन्ना रहना होगा। कहाँ छुपा कर रखी है? कितनी जगह तलाश किया, जितनी जगह तलाश किया उतनी जगह धोखा मिला। आखिर ऐसी कौन सी जगह है जहाँ हेलमा ने गुड़िया संभाल कर रखी है? ढूंढू तो कैसे ढूंढू? अगर जूनियर जी यहां पर आया है तो वो हमें दिखाई क्यों नहीं दे रहा है? क्यों नहीं दिखाई दे रहा है? हमारे इस तिलस्मी नगरी में
जैसे ही बाहर की कोई भी शक्ति अंदर आ जाती है, बेकार हो जाती है, खत्म हो जाती है। फिर जूनियर जी के पास ऐसी कौन सी शक्ति है? हो ना हो, दिखाई नहीं देने वाली शक्ति उसे उसे हमारे ही किसी भेदी ने दी है। कौन हो सकता है? क्या जूनियर जी दुष्ट हेलमा की तिलस्मी शीशे में नजर आ सकेगा? दुष्ट हेलमा इन बच्चों की बलि दे पाएगी? जानने के लिए देखिए जूनियर जी का अगला एपिसोड। अब ना होगा जुल्म, ना होगे जुल्म के पहरेदार, अन्याय को जो काटेगी है ये वो तलवार। बन के सुदर्शन आया है, अब भर गई जुर्म की गागर जी, थम गई पाप की आंधी, देखो दुश्मन भागा डर कर जी।